सोनू शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि कंपनियों, कहा गया है कि वो एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को कंपनी में स्थापित करें, ये किस तरह के मैकेनिज्म की बात हो रही है, किस तरह से इसको स्थापित किया जाएगा, इसकी ट्रैकिंग कैसे की जाएगी, कंपनी के लेवल पर अगर मैं समझना चाहूं तो जिम्मेदारी इस अधिसूचना के बाद कितनी बढ़ गई है ताकि पारदर्शिता मेंटेन की जाए। ये बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ये है मैम कि जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर मनी सर्कुलेशन चला रहे हैं, ये एक्ट बेसिकली उन पे लागू होता है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर मनी सर्कुलेशन प्रोसेस चलाते हैं। एक रुपए का जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट, उसका MRP, उसका रेट इतना ज्यादा डिमांड किया जाता है लोगों से और वही बीच का पैसा लोगों में रोटेट किया जाता है। प्रॉब्लम यहां से शुरू हुआ। दूसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा उसके अंदर यह है कि रिक्रूटमेंट बेस जो इंसेंटिव दिए जाते हैं कंपनीज के द्वारा उसको रोका जाए। रिक्रूटमेंट बेस रीबाइंग का प्रोसेस बहुत सारी कंपनीज में नहीं है, सिर्फ रिक्रूटमेंट बेस पैसा दिया जा रहा है जो मनी सर्कुलेशन एक्ट के अंदर भी इलीगल है। तो अभी इस लॉ के क्या कहते हैं फ्लोर पे आ जाने से बहुत सारी कंपनियां जो सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेशन चला रही है नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर, उन सब पे शिकंजा कसा जाएगा और सही कंपनी जो काम कर रही है उनको बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। अभी मैं इसमें एक बात और ऐड कर देना चाहता हूं कि जितनी भी कंपनीज पिछले 4 से 5 साल के अंदर रजिस्टर्ड हुई हैं उसमें बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेशन कर रही हैं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर और इसकी वजह से कस्टमर का बेहद नुकसान हो रहा है और एक कस्टमर को भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि इतना पाक साफ बिजनेस, इतना शानदार बिजनेस को वो एक शक की नजर से देखने आता है क्योंकि 10 अच्छी कंपनी रहती है और उसमें से एक बेईमान निकल जाती है तो बाकी सब लोग 9 को भी बेकार तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत स्वागत योग्य एफर्ट है और इसका जैसा कि सर बता रहे थे कि इसका इंतजार बहुत बहुत सारे सालों से था और वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये फ्लोर पर आ गया है फंड। तो सोनू शर्मा जी, ये जो बिजनेस है ये कितना बड़ा है और आपने यहाँ पे जिक्र किया पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स का जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कुछ चला भी रही थी, अब इस अधिसूचना के बाद इस तरह की चीजों पर इन तरह के मामलों पर किस हद तक रोक लगेगी, इंडस्ट्री के विस्तार को लेकर ये कितना बड़ा कदम है, अभी फिलहाल अगर हम देखें तो मार्केट कैप के लिहाज से इन कंपनीज का कितना प्रपोर्शन है और कितनी जरूरत थी इस तरह की अधिसूचना ताकि ग्राहकों को यह समझ में आए कि उनकी हितों का ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई है, एक बॉडी है जो जिम्मेदारी लेती है और आप अपनी शिकायत भी उन तक पहुंचा सकते हैं। मैम सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को और सब लोगों को यह बताना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग जो अच्छी कंपनी है, जो सही कंपनीज कर रही है, एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें 100% वाइट की ट्रांजेक्शन होती है। आपको जान के बहुत हैरानी होगी और कस्टमर को मैं बताना चाहूंगा, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, कि जो सही कंपनीज हैं उसमें कोई भी बिलिंग, कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल किया जाता है तो उसके ऊपर प्रॉपर बिल कटता है, आप कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके ऊपर GST एप्लीकेबल होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंपनीज डिपॉजिट करती हैं पर मंथ। नंबर 3, आपको जो भी कमीशन आता है वो TDS करके, टैक्स कट के ही आता है। ये एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां 100% ट्रांसपेरेंसी होती है और लीगल सिस्टम अपनाया जाता है। आज ये करीब करीब 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए का इंडस्ट्री है। नीति आयोग का खुद का ये मानना है, KPMG का खुद का ये रिपोर्ट है कि अगर ये इंडस्ट्री सही रही तो 2025 तक करीब करीब 65,000 से 70,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है जहां एक आम भारतीय को रोजगार मिलने की अपार संभावनाएं हैं। आज हिंदुस्तान में आपको पता है COVID-19 के कारण बहुत सारे लोगों को नौकरी की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम सीमा पर है। ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से मुक्त, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग बाग, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकती है। बनस्पत इस पे आज ये जो नोटिफिकेशन आया है ये ठीक तरीके से अगर लागू हो जाए, क्योंकि ठीक तरीके से लागू होना बहुत जरूरी है, कानून तो हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से हो जाए तो मैं आपको बता सकता हूं कि 2025 में ये एकमात्र ऐसा उद्योग है जो बहुत सारे लोगों को, हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, जहां तक एम्प्लॉयमेंटेबिलिटी की बात है तो लगभग 7 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जिनको रोजगार मिल रहा है इस इंडस्ट्री के जरिए और उसमें भी खास बात यहां पर यह है, उल्लेखनीय बात यहां पर यह है कि 50% से ज्यादा तो इसमें महिलाएं हैं और जिन अधिसूचना नियमों की हम बात कर रहे हैं और इन कंपनियों को लगभग 90 दिनों में जो है इनकी इम्प्लीमेंटेशन और इन नियमों को कम्प्लाई भी करना होगा। तो खन्ना साहब, सवाल अब यहां पर यह उठता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग की जब बात करते हैं तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स का नाम यहां पर
आता है। जो भी हमने केसेस धोखाधड़ी के या पारदर्शिता की हमने बात की है, कितना कितना भरोसा मिलेगा या कितना एस्टेब्लिशमेंट में और आसानी मिलेगी इन इंटरनेशनल ब्रांड्स को अपने कदम भारत में रखने के लिए, क्योंकि हम बड़े बड़े नाम देखते हैं, एमवे, टपरवेयर, ओरिफ्लेम, कई तरह की ऐसी डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं जो इन कंपनियों के हम खरीद पाते हैं। कहीं ना कहीं जिन पॉन्जी स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं, मनी सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, इनके ब्रांड को हिट होता होगा इन सब की वजह से। अब ये ब्रांड्स किस तरह से स्टैंड आउट करेंगे? देखिए, जो मनी सर्कुलेशन स्कीम है वो इस इन रूल्स में कवर नहीं होते, तो कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम अपने आप को डायरेक्ट सेलर कह के अपना काम नहीं कर सकता। ये एक इसकी इन रूल्स का एक फायदा होगा। उससे क्या होगा कि जो ये नंबर दो का काम कर रहे हैं उनको पारदर्शिता अपनानी पड़ेगी और उसमें वो पकड़े जाएंगे, और इसका मतलब यह है कि जो नंबर दो का काम करने वाले हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा डायरेक्ट सेलिंग से अपने बिजनेस को बढ़ाना, क्योंकि इन रूल्स को वो फॉलो नहीं कर पाएंगे, और फॉलो करेंगे तो फिर वो एक्सपोज होंगे तो उनका बिजनेस जिस तरह वो चल रहे हैं उस तरह चल नहीं पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब सोनू जी को क्या लगता है ये वो बताएंगे। जी सोनू जी। मैम, हम लोग जब इस नोटिफिकेशन के ऊपर चर्चा कर रहे थे बहुत साल से, आई एम इन द इंडस्ट्री फ्रॉम द लास्ट 20 इयर्स, हम लोगों का डिमांड था कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जब तक एक एक्स अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट नहीं करता खोली ना सके। हमारे बहुत सारे सजेशंस थे, बहुत सारे हम लोगों ने सुझाव सरकार को दिए, प्रीवियस गवर्नमेंट को भी दिए, और ये जो ये नया गवर्नमेंट है यहाँ पर भी बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बैक टू बैक फिक्की के साथ हम लोग कोऑर्डिनेशन में थे, टच में थे, कि एक लमसम अमाउंट भी एज अ सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कराए कोई भी कंपनी अगर अपना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू करना चाहती है। बिकॉज होता क्या है, चार कंप्यूटर लगाए, चार लोग बैठे और अपना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू कर लिया, और डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर कुछ भी ऊट पटांग बेचना शुरू कर दिया, वो प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दिए जिसका रीबाइंग ही नहीं है, वो प्रोडक्ट जिसका क्वालिटी बहुत खराब है, वो प्रोडक्ट जिसका प्राइस इतना ज्यादा है कि एक आम आदमी की पहुंच से बहुत ज्यादा है। अब इस नोटिफिकेशन के द्वारा सर जो बता रहे थे खन्ना साहब, मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक रखता हूं कि असली और नकली, जिसको कहते हैं दूध और दूध, दूध का दूध, पानी का पानी, ये हो जाएगा। और एक कंज्यूमर जो एक सयाना कंज्यूमर है, एक सया कस्टमर है जो अपना करियर बनाना चाहता है इस फील्ड में, वो बिंदास होकर इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकता है और अगले 4 से 5 साल के अंदर अपने सारे के सारे सपनों को पूरा कर सकता है। अच्छा, जिस शिकायत के निपटारे की हम बात कर रहे हैं सोनू जी, ये ग्रीवांस रिड्रेसल की पूरी प्रक्रिया क्या होगी? अगर मैं एक ग्राहक हूं जिसे अपनी शिकायत का निपटारा करवाना है या अपनी शिकायत पहुंचवानी है, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से मुझे अप्रोच करना होगा और शिकायत का निपटारा कैसे होगा? मैम, उसके लिए पूरा नोटिफिकेशन एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि नया नया नोटिफिकेशन अभी पूरा पब्लिश हुआ है, उसमें क्या अमेंडमेंट किए गए हैं, क्योंकि सितंबर में भी ये नोटिफिकेशन आया था, 2014 से चल रहा है ये एक्चुअली प्रोसेस, तो एक बार उसको पढ़ना पड़ेगा कि क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, उसके बाद इसके बारे में बात की जा सकती है। खन्ना साहब, आप बताएंगे ग्रीवांस है कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ग्रीवेंस ऑफिसर नॉमिनेट करना पड़ेगा जिसको कोई भी कंज्यूमर अपनी ग्रीवेंस भेज सकता है ऑफलाइन या ऑनलाइन, और एक नोडल ऑफिसर इनको नियुक्त करना पड़ेगा, और समय सीमा के अंदर जितने भी शिकायत आएंगे इसका निपटारा इन्हें खुद करना पड़ेगा। और हम तो ये सजेस्ट कर रहे हैं सरकार को कि एक स्टैंडर्ड है ISO 10001 और 10002। ISO 10002 ये बताता है कि किस तरह किसी कंपनी को कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स को रिसीव करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, उनको प्रोसेस करके उनका निपटारा करना चाहिए। तो हर कंपनी अपना तरीका अपना सकती है, परंतु अगर एक मापदंड होगा तो वो सबके लिए आसान हो जाएगा और मॉनिटरिंग भी उसकी आसानी से हो जाएगी। इसलिए हम तो ये सजेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि ISO 10002 को अप्लाई किया जाए और इन रूल्स में ISO 10002 को भी मेंशन किया जाए, और अगर नहीं मेंशन करना चाहते हैं तो कंपनी स्वयं ही ISO 10002 फॉलो करना शुरू कर दें। वो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है कंज्यूमर कंप्लेंट रिड्रेसल का, और उससे उनकी कंपनी की साख बढ़ेगी।